This video is sponsored by One Football application. That is my go-to stop for all kinds of news related to football. If you to know everything about football, there is no better place nahi Because over there you will find all the latest news surrounding your club, also information about the leagues that you follow. All the information is there, well addressed on the One Football application. They have all the fixtures update with the lineup, the stats and the live commentary as well. Plus, if you want to stay in touch with what is happening in the transfer market, OneFootball is the place to go to. So, what are you waiting for? Go down into my description, click on the link, and download OneFootball application from over there. Nine goal in five matches. Erling Haaland has arrived to the Premier League. Yes, this is. हालैंड प्रीमियर लीग मेरे भाई एंड ही हैज मेड इट सो इजी हम सब लोग सोच रहे थे कि यार कि अर्लिंग हालैंड इज दैट सो मच अन मैन सिटी वाला प्लेयर जो कि ये कभी फिट नहीं होगा एंड पेप गोडला वुड नॉट बी एबल टू मेक हिम प्ले इन दिस टीम एंड भाई यार बहुत ज्यादा पैसा है उसके शर्ट पे नाम पे सेवेंटी मिलियन मिलियन की डील है हालैंड वुड बी अ फ्लॉप एंड स्पेशली सिंस वो जो कम्युनिटी शील्ड में हालैंड ने मिस किया था टैपिन था उसका उड़ा दिया था उसके बाद से हालेंड टू इट पर्सनली सो क्रिटिकली देखा जाए तो हम लोग बहुत ज्यादा रिएक्शनरी होते इन टर्म्स ऑफ जजिंग द प्लेयर्स बट देन हार्लैंड इज फाइनली अराइवड बाबा पांच मैचेस में नौ गोल मार चुका है बंदा हाइएस्ट है प्रिमिली की हिस्ट्री में नो प्लेयर हैव स्कोर्ड मोर गोल्स इन फाइव गेम्स अर्निंग हार्लैंड बैक टू बैक हैट्रिक मारते हुए बुंड फाड़ देते हैं यहां पर फॉरेस्ट की तो फॉरेस्ट इट वॉज बोर्निंग द डिफेंस वॉज बर्निंग एक वाइल्ड फायर थी यहाँ पे एंड इट इज इट इज सच अ कांड ऑफ अ फुटबॉलिंग डिस्प्ले फ्रॉम मैंचेस्टर सिटी जो कि वी आर नॉट यूज टू सी वी आर नॉट यूज टू सी सिटी प्लेइंग दैट डायरेक्ट काइंड ऑफ फुटबॉल बट विथ अर्निंग हाल इन द स्टीम यार ये इट मेक् सेंस इट रियली रियली मेक्स सेंस उनका तुम सेटअप देखते हो पिच पे दिस इज दे दे व लाइनिंग अप फर्स्ट ऑफ ऑल आप लाइन अप देख सकते हो अब देखो कि काइल वॉकर जॉन स्टॉन सुबिंदो मिड में बर्नाडो सिल्वा रॉड्री एंड गुंडगोन जूलियन सेटअप इनका होता है डायमंड एंड अब वो जो डायमंड का जो पॉइंट होता है वो कौन है यहाँ पे वो है जूलियन अलवारिस अब तुम कहोगे यार कि बर्नाडो कहाँ गया बर्नाडो हराम को विंग पे चला गया है बर्नाडो इज वाइड तो अब फ्रंट थ्री बनते हैं फोर्ड इन हाल एंड बर्नाडो के और मिड जो डायमंड बनता है वो रॉड्री गुंडगन और आपके काइल वॉकर या कैंसलो जो मिड पे स कर लेते हैं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड और जूलियन अलवारि टॉप तो आईदर ऑफ द फुल बैग्स कंबाइंड टू क्रिएट अ डायमंड इन द मिडफील्ड विद रॉड्रिकुडगोन एंड अ ड्रॉपिंग जूलियन अलवारिस एंड यही सेम सिस्टम वो अपने ना क्रिस्टल पैलेस के गेम में भी यूज करे थ्री एंड डायमंड्री अपटॉप एंड तुम यह देखोगे की पेप गोडला है स्टिल हैज नेवर लेफ्ट थ्री फोर थ्री की फॉर्मेशन है विद डायम एंड द मिड फील्ड ये वो जॉन क्रूफ का स्टाइल ऑफ प्ले है जो कि पेप गोडला ने सीखा था उनसे एंड ई स्टिल टू दिस डे इज इन इज यूज इंगट एंड इज थ्राशिंग टीम विद स्टाइल ऑफ प्ले तभी तो यहाँ पे हम आज भी जॉन क्रूव को याद करते है। हैं विद यूम फॉर दिस स्टाइल ऑफ फुटबॉल एंड यहाँ पे पेप गोडला स्टरी करते हुए विदर नंबर नाइन इन द टीम विच द बैडली लैक्ड ये जो सारे गोल्स थे आज जो सिटी ने मारे पिछले साल वा मारे होते मेरे भाई विदाउट विद है पेज विद प्रोबली दे वुड हैव मिस द चांसेस तुमने जो हैडर गोल देखा अर्लिंग हारलैंड का टेल मी वन प्लेयर हु वुड हाव स्कोर दैट गोल नो बडी वुड हेफ स्कोर दाट गोल फॉर मैनचेस्टर सिटी नो बडी वुड हैव अराइव इन दो पोजिशन वो जो सेट पीसेस यहाँ पे जो मैनचेस्टर सिटी ले रही है एंड जो पोजिशनिंग है अर्लिंग हाललैंड की जस्ट बिहड डिफेंडर वो जो फिजिकल स्ट्रेंथ इस्तेमाल करता है अर्लिंग हारलैंड अपनी कि भाई साहब डिफेंडर चढ़ा पड़ा उस पर बट ही स्टिल स्टार्टिंग थे ही वॉज बिगर देन ऑल ऑफ दीज डिफेंडर्स ऑफ नोटिंग फॉरस्ट एंड नो बडी कूड जस्ट पोशिम अ साइड और हार्लैंड अपनी प्योर शेयर स्ट्रेंथ पे ही स्कोरिंग दो गोल्स एंड ये इजी नहीं है टू बी इन दैट पोजीशन एंड स्कोर द टाप इन लोग कहेंगे यार ही तो है बट पापा यू हैव टू बी दे यू हैव टू बी दे यू हैव टू होल्ड अप योर बॉडी टू स्टैंड फॉर्म टू कीप योर बैलेंस एंड टू स्कोर दोज गोल्स सिटी डेंजरस डेंजरस सही बात है सही बात है न्यूली प्रमोटेड साइड नॉटिंगम फॉरेस्ट के लिए बहुत बड़ा टेस्ट था बट टू बी बीस प्ले दैट बैड अ गेम इन द स्टार्टिंग गेम्स तुम देख सकते हो अगर मैच अगर देखा होगा तुमको आइडिया होगा कि इवन नॉटिंगम फॉरेस्ट फॉर ट्राइंग टू अटैक वहां पे ऑलरेडी रनान लोडी ने ऑलमोस्ट एक गोल स्कोर कर लिया था जहां पर सिटी की थोड़ी सी डिफेंसिव प्रॉब्लम्स खुल के दिखी थी बट यू नो वट वी आर टॉक ऑल अबाउट दैट मैच के बारे में बात करते हैं लेट मी शो यू द स्क्रीन ओवर हेर देखो बेसिक सेटअप यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी का एकदम

इज होल्डिंग इज ग्राउंड मेक श्योर ही हैजू गेट ऑन टू द एंड ऑफ द बॉल वो बंद गिव अपनी नहीं करेगा वो बंद पेनिटिकली नहीं जाएगा यहाँ पे स्ट्रेंथ अपनी डिस्प्ले करते हुए ही इज गोइंग फॉर द बॉल टच लेते हैं एंड ही स्कोर्स दैट गोल तो ये गोल शियर स्ट्रेंथ यूज करके अर्लिंग हार्लैंड ने इसको मार था फोर्डिंग का क्रॉस बहुत ही ज्यादा था एंड अर्लिंग हार्लैंड ओवर द ट दियर पोल एंडिशिंग पास तुम देख सकते हो कि कितना ज्यादा प्रेस है उस पर बंदा लिटरली शर्ट पकड़ के खींच रहा है सो दैट ही कैन टक डाउन अर्निंग हार्म बट बंदा प्योर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके ही स्कोर दिस गोल तो आप देख सकते हो जैसे कि आगे टोलू की गुंडुगौन डिस्पोज होते हैं यहां से नोटिंग फॉरिस्ट अपना अटैक बनाती है रोनाल्ड लोडी गेट्स ऑन टू द एंड ऑफ इट एंड ही ऑलमोस्ट मिस्ड अ चांस सो द थिंक इज की नोटिंगहम ऐसे नहीं कि बुरा खेली थी बट इट जस्ट दैट वो प्रोवेस ऑफ सिटी है ना वो एक गोल मारते हैं ना उसके बाद से भाई फिर वो टैप खुल जाता है एंड फिर वो गोल्स बरसते रहते हैं देर नॉट नॉट अ लॉट ऑफ टीम इन वर्ल्ड फुटबॉल जो कि चेस्टर सिटी को ना अपने फुल स्विंग में डिफेंड कर यस यू पायान डिफेंड देम फॉर लाइक 15 20 मिनट्स बट देन एक बार जो ब्रेक करते हैं ना फिर तो वो आपको रोंदते हैं स्पेशल बात क्या थी ना सिटी की आज के गेम में कि जैसे वो पोजिशन लूज कर रहे थे ही चलते वो पोजिशन गेन कर लेते बिकॉज ऑफ द काउंटर प्रेस बिकॉज वो दे वर प्लेंग विद स्टोन्स एंड कैल वॉकर बैक थी जिसमें कि रॉड्रिक थ्रोस और पुश कर पा रहे थे तो एक एक्टिव हाई प्रेस उनकेर अपोजिशन के प्लेयर्स पे वो ऑलरेडी डाल रहे थे स्पेशली विद डायमिंग इन द मिडफील्ड तो उनको काफी ज्यादा पासिंग डायरेक्शंस मिल रहे थे अब देखो पेप ने क्रिस्टल

बॉल क्लियर नहीं करते हैं सही से एंड बर्नाडो सिल्वा नेक्स्ट बॉल वन टच पासिस यहां पर चले थे सिटी के सिंपल बर्नाडो टू जूलियन अलवारि एंड जूलियन अलवारि बाबा किस वेवले पे सेटल हुआ है दिस इज अ गायको देखने में मजा आता है मिक्सचर ऑफ बर्नाडोस प्रेसिंग अग्वे केविंद के विजन वाला मैं जान रहा हूं मैं बहुत ज्यादा बड़े प्लेयर से इसको रेट कर रहा हूं बट आपको ना जब ये खेलते देखोगे इसको ना तो आपको वो इमेजे वो फ्लैशे उन प्लेयर्स की दिखेंगी हीज एग्रेसिव इन प्रेसिंग हैज गॉट अ टेरिफिक फिनिशिंग है एंड यह बंद के पास बाई विजनरी पासिस भी है यारे में लिंकअप ओवर है टचेस कितने प्यार गुंडगोन को लिए एंड गुंडगोन अगेन रिटर्न बॉल पे सीधे यहां पे फीड करते हैं अर्लिंग हार्लैंड को अब हार्लैंड

फॉरस्ट अब टेक लुक एट दिस बर्नाडो सिल्वा क्या सिंपल प्लेयर यार हल्का सा टच लेता है गेट्स अवे फ्रॉम द प्लेयर गेट्स अवे फ्रॉम द रेफरी इज वेल एंड कलेक्ट्स द बॉल एंड पास इज बैक टू जॉ कैंसलो अब कैंसलो

सेलिब्रेशन भाई पेप गोडियोला एकदम एक्सल करते हैं भाई इन हैप्पीनेस लुक एट दिस यहां यहां पे Diaz, पे आई थिंक इट वाज विद द हेडर देखो देखो ही इज जस्ट ऑन द एज ऑफ ऑन द शोल्डर ऑफ द डिफेंडर एंड ये बंदा बाबा ये देखो ये देखो यहां पे ही इज देयर बिटवीन द टू डिफेंडर्स बिकॉज यहां पे इसके पास वो स्ट्रेंथ है टू बी बिटवीन द टू डिफेंडर अगर यहां पे अर्लिंग हार्लड नहीं होते सिटी पे आई वुड बेट

टू दार्ट ऑफ जुलियन अलवारस एंड यहाँ पे जूलियन अलवारस ने किया मेरे भाई टेक अ लुक इट दिस कैप्चर इट फॉर यूर बट आपको प्यारी है बॉल एंड आपको रियलाइजेशन है कि बंदा प्रेस किया हुआ है एंड द सेकंड टच यू टेक यू गेट अवे फ्रॉम द डिफेंडर भाई फुटबॉल में बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट टच एंड यहाँ पे जूलियन अलवारिज ने फर्स्ट टच लिया अपने एकदम क्लोज एंड द सेकंड टच ही वेरी गुड अपॉर्चुनिटी लेर पोलिकल अबिलिटी खुश हूं फोर्थ गोल बलता है पे जो ने स्कोर किया गुंड के पास बॉल है बॉल टू बर्नाडो सिल्वाडो सिल्वा के पास सामने कोई ऑप्शन नहीं है ही हैज फोर मैनचेस्टर सिटी प्लेयर इन दॉक्स बद कैंसलो खड़े हुए बर्नाडोस को फाइंड करते कैंसिल ग्रेट ड्राइव एंड गोल दट वॉज मजा आ गया मजा आ गया इस गोल को देखे कैंसल ऑफ फाइनली स्कोरिंग इज गोल जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में कहा था कि मानसा थोड़ा सा डायरेक्ट फुटबॉल खेल रही है यस वी सी दम एट टाइम्स प्लेइंग डायरेक्ट फुटबॉल बिकॉज देव गॉट रनर्स इन बिहाइंड टू रन देव गॉट हालन टू पिन द डिफेंस देव गॉट जूलन अलवारिट टू बोबाइल इन दोज एरिया सो ड्रॉप एंड पुल द डिफेंडेस अ पार्ट जिसकी वजह से महारेस कैन मेक दोज रन इन बिहाइंड यहां पर यह काफी बार हुआ तुम देख सकते हो क्राइल वॉकर ने रिलीज की महारेस को बॉल डिफेंस ने क्लियर नहीं किया महारे ने टच लिया टर्न इन साइड एंड जूलियन अलवारिस के रन ही इज ऑपरेटिंग इन द हाफ स्पेस ओवर हेर ही इज नॉट द लास्ट मैन बट यहां पर ही सीज की महारे विल बी एबल टू कंट्रोल द बॉल वो रन डालते हैं इन बिहाइंड एंड देन वॉट अ ग्रेट फिनिश यार मैं कितनी बात करूं यहां पर जूलियन अलवारिस की बाई एपिक लेवल की यह फिनिश थी बिटवीन द लेग्स ऑफ द कीपर नाउ अगेन यहां पर केविन डिब्रोने पिच पे आते हैं कोल पामर आते हैं फोर्डिंग की जगह पे बाय द वे कोल पामर अगेन हैड अ ग्रेट गेम है जितना बंदा वो खेल रहा है उतना ज्यादा मैं फैन होता जा रहा हूँ कोल पामर का एंड जूलियन एलवारिस का यहाँ पे खेड भी बॉल लेके भागते हैं ही फाइंड्स द बॉल टू मारिस बट मारिस ने टच लिया जो डिफेंड हो जाता है एंड यहां पे अगेन एक टेक्निकल लेवल का ब्रिलियंस बाय जुलियन अलवारिस लुक एट दिस यार फर्स्ट टच एंड सेकेंड फिनिश वाज इमैकुलेट बाय द वे ही टुक दैट टच द वे ही फिनिश दैट बॉल एपिक लेवल की भाई डिस्प्ले थे यहां पे ऑफिस टेक्निकल एबिलिटी पेप गोडला भाई खुश हो गए

हर राम रुक जा भाई हालंद शेयर कहते हैं कि ही कुड गो ऑन टू स्कोर 40 गोल्स यार तो कौन कहता है यार चालीस गोल नहीं मार सकता हालेंड ऑलरेडी दस गोल मार चुके हैं पांच मैचेस में तो अभी तो भाई थर्टी थ्री ऑलरेडी बचे हुए हैं खेलना तो यार हु नोज वॉट कैन हालेंड डू बिकॉज ये वर्ल्ड कप का ईयर नहीं है हालेंड कैन बी प्लेड हार्लैंड कैन गो एट इज बेस्ट तो यार वो बहुत मौके मिलेंगे उसको गोल स्कोर करने के द बेस्ट थिंग इज की हालण इज जस्ट नॉट अ स्ट्राइकर फॉर सिटी ही इज डूइंग मच मोर देन दट हीज प्रेसिंग ही इज टेकिंग द डिफेंस अ पार्ट ही इज डिइंग द लिंकअप प्ले सबसे अच्छी बात है कि अलवारिस के साथ अच्छा कॉम्बिनेश है द होल टीम लुक्स गुड जैक ग्रिलेश

गोइंग राइट टूवर्ड्स अब उन्होंने गोल मार दिया पीपल वुड से यार पांच मिनट एडेड ऑन टाइम था नाइनटी प्लस एट मिनट पर क्यों स्कोर किया बिकॉज यार निक पोप थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर रहे थे अब इट इज अपॉन द रेफरी वो कैसे इसको देखते हैं Uh, जो टाइम वेस्ट हो रहा है विल ही एड एक्स्ट्रा टाइम विल ही गिव एक्स्ट्रा मिनट्स टू लिवरपूल बट कहीं ना कहीं तुम कह सकते हो कि एनफील्ड का इन्फ्लुएंस था दैट लिवरपूल डिंट गिव अप और भाई एक बात है भाई हार्वे एलियोट क्या सुंदर बंदा यार माजिकल यार ब्रेथ टेकिंग गाय जिस हिसाब से उसने सेटअप किया ना साला को फॉर दैट पास एंड साला ने कटबैक करके फिरमीनो को गोल बनाया वो गोल तुम देखे हो एलिसन से स्टार्ट होता है इट कम्स टू द मिडिल फैबिनियो फैबिनियो टू हार्वे एलियोट हार्वे एलियोट देन टू साला साला का कटबैक एंड तुम देखो कि उस पूरे मूव में फिर ने बॉल टच नहीं की फिर ने फाइनल बॉल को बस हलका सा रोल कर दिया द बैक ऑफ द गोल तो यार तुम देख सकते हो कि किस हिसाब का इनके पास है टैलेंट इनके पास वो प्लेयर्स हैं तो ओपन अप द डिफेंस और वो एक सिंगल पास में डिफेंस ओपन कर दिए एंड दे हैव टू कंटिन्यू डूइंग इट बिकॉज दे टू मच रिलाई ऑन द क्रोसेस फ्रॉम रॉबर्टसन एंड ट्रेंट वो एक यूनिक फुटबॉल खेलते हैं दैट इज अर्ली क्रॉसेस अपार्ट फ्रॉम दैट नीड मच मोर क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिविटी के लिए आई थिंक इलियट इज द परफेक्ट गाय आई एम एम वेरी हैप्पी फाबियो कार वालियो ने अपना पहला गोल स्कोर किया पहला नहीं है शायद शायद दूसरा गोल है टेरिफिक वे टू राउंड ऑफ एंड मच डिजर्व था यार लास्ट मोमेंट में उसने स्कोर किया एंड यू कड ओनली से कि यहाँ पे लेवरपूल इवन दो डिड इन डिजर्व टू विन इट बट द शो डट मेटेलिटी टू गो ऑन एट द वेरी एंड एंड स्कोर द विनर और यही वो गोल्स हैं जैसे कि ओरिगी का गोल था एक बार जब उन्होंने जीता था प्रीमियग टाइटल इन ट्वेंटी नाइनटीन दैट रियली हेल्प देम उसके बाद से एलिसन का गोल भी हमको याद है कि उन्होंने मार था जिसकी वजह से वन द टाइटल तो ये सारे कुछ ऐसे मैचेज हैं ये ऐसे गोल्स हैं जो कि लास्ट मिनट्स में लास्ट मैचेस में काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं आई

Uh, आस्टन लाला इक्वलाइज करती है बट देन विनर बाद में मार्टिनेली मारते हैं फाइव फाइव विन्स इन फाइव गेम्स है आसनल टेरिफिक टेरेफिक फुटबॉल खेली वेस्ट हम अगेंस्ट टॉटनहम हॉटस्पर यार ये गेम था ऐसा जहाँ पे टोटेन ऑफ विजिबली स्ट्रगलिंग भाई वेस्ट ने इनको खेलने नहीं दिया गेम अगर तुम स्टार्ट देखोगे यहाँ पे लेट मी शो य स्टार्ट पॉइंट सिक्स नाइन एक्स जी हैं टोटेनहम के आज के मैच में तेरह शॉट है बट पॉइंट सिक्स नाइन एक्स जी तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि कितना बुरा इन्होंने खेला होगा आई एम नॉट हैप्पी विद द वे दैट स्पोर्ट्स प्लेड इन दिस गेम गॉट टू मच टैलेंट बट देन अच्छा प्ले नहीं था सॉन मैन अर गेम फ्रॉम सोन वेल बाकी यहाँ पे पी एच जी अगेंट टू लूस अ गेम अगेन एक दो इंस्टांस जहाँ पे खेले नंबा पे कुट इट बैकले नंबर पर कुड हैव पास काइंड ऑफ एट स्पेशल मोमेंट्स गेट्स ऑफ़ गेट सेल्फिश सबको पता है बट नेमार बॉलिंग भाई नेमार ने रिकॉर्ड ब्रेक किया लियो मेसिन क्रिस्टानो रोनाल्डो का फॉर 15 कॉन्जर्क्यूटिव जी एंड ए इन द गेम्स एंड यहां पर सिक्सटीन इसने दिया ग्रेट गेम फ्रॉम नेमार मेसी विद टू असिस्ट फेनल गेम फ्रॉम मेसी एज वेल गुड ऑफ स्कोर इस गोल इज वेल उन्होंने तीन चांसिस मिस की एक फ्रिकिट मिस की आई थिंक द कीपर्स मेड ग्रेट सेवस इन थ्री ऑफ द सिनारियोज एंड ये पूरी टीम ऑफ पी एस जी विद विटीनिया एंड द टीम लुक्स वेरी मच बैलेंसडर काफी अच्छा एक वाइप दे रही है पी एच जी टीम नू नोमिन दिस नू बवाल भाई ग्रेट गेम फ्रॉम नूनो

एंड वोल्वर हैम्पटन एंड एवर ओवर हेयर तो भाई आगे के मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दैट सॉल्व फॉर दिस वीडियो आई होप आपको रिव्यू अच्छा लगा मैचेस एस रेडी का बाकी मैचेस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे मिलते हैं यार मिलते हैं अगर आप लोग को शर्ट्स खरीदनी है चेक आउट द नंबर इन द डिस्क्रिप्शन यार उस पर कॉन्टैक्ट करना व्हाट्सअप करना सब चंगा है भाई और राइट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लेट मी नो अगर किसी आप किसी चीज से आप डिसएग्री करते हो या अग्री करते हो कोई भी आपके मन में कोई भी बात है कॉमेंट जरूर से करना है यूट्यूब का एल्गो ब्रेक करना है हराम कोर आल सी यू गेस वही सोनाटे देन एज ऑलवेज पीस आउट